होली के मौके पर यूरोपीय देश और मुस्लिम देश में जलाई गई कुरान। इस घटना के बाद मुस्लिम देशों में जमकर मचा बवाल। कभी मस्जिद के सामने तो कभी संसद के सामने जलाया गया इस्लाम का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान। दोस्तों, देश और दुनिया में इस्लाम के ऊपर संकट के बादल छाए रहे हैं। हर रोज ऐसे नए कारनामे सुनने को मिल रहे हैं जिससे लगता है कि अब लोग मुस्लिम धर्म और इसकी शिक्षाओं को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तभी तो अब ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें मुस्लिमों के इबादतगाह और मस्जिदों के टूटने और साथ ही कुरान जैसे पवित्र धर्म ग्रंथों को जलाया जा रहा है। ऐसी घटनाओं से अब मुस्लिम देशों में खासा रोष और गुस्सा व्याप्त है। ईद के मौके पर यूरोपीय देश स्वीडन में इस्लाम को लेकर एक ऐसी अपमानजनक घटना घटी कि सभी मुस्लिम देश आग बबूला हो रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसी घटनाएं लगातार क्यों हो रही हैं? अन्य देशों में कुरान धर्म ग्रंथ को क्यों जलाया जा रहा है? इस घटना पर मुस्लिम देशों की आवाम और वहां की सरकार क्या प्रतिक्रिया दे रही है? और आखिर उस व्यक्ति ने क्यों जलाई कुरान? जानेंगे सब कुछ। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त है तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म आदि अनंत काल से चला आ रहा एक ऐसा धर्म है जो शाश्वत है, जिसका न तो आदि है और ना ही अंत। हिंदू सनातन धर्म का प्रभाव देखिए कि अब केवल भारत जैसे हिंदू राष्ट्र ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे मुस्लिम देशों में भी हिंदू मंदिर बड़ी आस्था से बनाए जा रहे हैं। और तो और, सऊदी शेख ने नव निर्मित भव्य हिंदू मंदिरों में स्वयं पूजा पाठ भी किया। एक तरफ जहां हिंदू सनातन धर्म को ज्यादा से ज्यादा लोग सम्मान पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं, वहीं अब लोग मुस्लिम धर्म की कट्टरपंथी सोच से छुटकारा पाना चाहते हैं। कुछ ऐसे ही घटनाएं अब देखी जा रही हैं जैसे यूरोपीय देश स्वीडन और डेनमार्क में मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान के जलाने की जानकारी सामने आई है। इससे मुस्लिम देश और वहां की जनता भड़की हुई है। यही नहीं, मुस्लिम देश बांग्लादेश में भी कुरान की अनेकों किताबें जलाई जा रही हैं। इसको देखते हुए अब हजारों की संख्या में मुस्लिम लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वीडन स्टॉकहोम की, जहां की सेंट्रल मस्जिद के ठीक बाहर बकरीद के दिन पाक कुरान की प्रति जलाई गई। इस घटना के बाद से अनेकों मुस्लिम देशों से भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। स्वीडन की एक अदालत ने 37 साल के सलवान मोमिका नाम के एक शख्स को, जो कि एक इराकी ईसाई शरणार्थी हैं, को ईद के मौके पर सेंट्रल मस्जिद स्टॉकहोम के बाहर कुरान को जलाने की अनुमति दी थी। उस व्यक्ति ने न सिर्फ कुरान को फाड़ा बल्कि सिगरेट के धुएं से उस इस्लामिक किताब को आग के हवाले कर दिया। जैसे हर एक धर्म का अपना पवित्र धर्म ग्रंथ होता है, वैसे ही इस्लाम धर्म में कुरान को परम पवित्र माना जाता है और बकरीद को एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। अब ऐसे मौके में कुरान जैसी पाक किताब को आग में खाक करना मुस्लिम देशों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। इस घटना के बाद सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों से विरोध के स्वर गूंज रहे हैं। साथ ही ये देश स्वीडन के अधिकारियों की कड़ी निंदा कर रहे हैं। स्वीडन में कुरान किताब को जलाने के बाद तो इस्लामिक देश मोरक्को ने इस घटना से नाराज होकर विरोध स्वरूप अपने राजदूत को अनिश्चित काल के लिए स्वीडन से वापस बुला लिया। चलिए अब देखते हैं कि दूसरे इस्लामिक देश इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तुर्की ने इस हाल ही की इस घटना पर नाराजगी जताई है और इसी घटना के बाद से तुर्की और स्वीडन के बीच के संबंधों में खटास आ रही है। बताया जा रहा है कि तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने हकन फिदान ने इस घटना को काफी घिनौनी बताया है। हकन फिदान ने इस घटना को लेकर ट्विटर पर लिखा कि मैं ईद अल अदहा के दिन हमारी पवित्र पुस्तक कुरान के खिलाफ स्वीडन में किए गए घिनौने कार्य की मैं निंदा करता हूं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहाने इन इस्लामोफोबिक मुस्लिम विरोधी कार्यों को अनुमति देना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ये कोई पहली बार नहीं है कि जब स्वीडन में कुरान को जलाया गया हो। इससे पहले भी यह कार्य किया जा चुका है। आपको बता दें कि जनवरी के महीने में भी स्टॉकहोम में कुरान जलाने की घटना सामने आ चुकी है। डेनमार्क के एक पॉलिटिशियन ने तुर्किश एम्बेसी के सामने कुरान को फाड़कर उसमें आग लगाने का काम किया था। इसके बाद से तुर्की काफी ज्यादा नाराज हुआ था और नेटो के आवेदन को लेकर स्वीडन के साथ बातचीत को निलंबित कर दिया था। स्वीडन में मस्जिद के सामने कुरान पाक को जलाए जाने के मामले में पाकिस्तान भी अपना विरोध दर्ज कर रहा है। इस मामले में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपना एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भेदभाव, नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाले कृत्यों को सही नहीं ठहराया जा सकता।
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भी आपात बैठक बुलाकर इस घटना की कड़ी निंदा की और स्वीडन से आग्रह किया कि वो इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाए। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एवं सभी देशों की सरकारों से निवेदन किया है कि इस्लामोफोबिया और मुस्लिम विरोधी नफरत की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाए। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कि इस्लामिक देश ईरान कुरान ए पाक जलाए जाने पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन नासिर कनानी ने कहा कि हम स्वीडन में पाक कुरान और इस्लामिक पवित्र चीजों के बार बार अपमान की घटना का कड़ाई से निंदा करते हैं और हम दुनिया भर में मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने के परिणामों के लिए स्वीडिश सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार मानते हैं। यूरोपीय देश डेनमार्क से भी कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक शख्स कुरान जलाते हुए दिखा गया था। अब ऐसी घटनाओं को लेकर OIC ने एक आपात बैठकर बुलाकर मुस्लिम देशों से आग्रह किया था कि वो स्वीडन के साथ अपने रिश्तों को लेकर उचित कदम उठाएं। लेकिन सोचने वाली बात है कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया। तो आपको बता दे कि यूरोपीय देश जैसे स्वीडन, जर्मनी, UK, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और स्पेन में मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां यूरोपीय पश्चिमी देश अपने पहनावे को लेकर ओपन माइंडेड है, तो वही ये शरणार्थी मुस्लिम अपने पहनावे को लेकर काफी ज्यादा कट्टर दिखाई देते हैं। गली मोहल्ले और सार्वजनिक जगहों पर ये कट्टरपंथी सोच साफ दिखाई पड़ती है, जिसे लेकर यूरोपियंस काफी ज्यादा असहज महसूस कर रहे हैं। यूरोप में मुस्लिम आबादी बढ़ने के साथ साथ वहां की आबादी तेजी से घटती जा रही है। साथ ही यूरोप में एक यूरोपिया जैसा एक नया टर्म आ चुका है जिसका मतलब है यूरोप का अरबीकरण, जिसका मतलब है मुस्लिम लोग। यूरोप में शरणार्थी के रूप में एक मिशन को लेकर आए हैं जिसके तहत ये लोग धीरे धीरे अपनी आबादी बढ़ाएंगे और यूरोप पर कब्जा कर लेंगे, यानी यूरोपीय देशों पर मुसलमानों का राज होगा। इसी इस्लामिक कट्टरपंथी को रोकने के लिए स्वीडन की संसद में इस्लामिक सेपरेटिज्म नाम का एक बिल भी पास हुआ था। इसके अलावा फ्रांस में इस्लामिक एक्टिविटी पर अच्छी खासी पैनी नजर रखी जा रही है। शायद इसलिए प्रशासन ने सलवान मोमिका को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुरान जलाने की अनुमति दे डाली। इस घटना के बाद से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि स्वीडन के लोग इस्लाम की झूठी शांतिप्रियता को अच्छे से समझ चुके हैं। अब चूंकि वो पश्चिमी देश है तो उन्हें अभिव्यक्ति, बोलने और कुछ भी कार्य करने की ज्यादा आजादी है। यही नहीं दोस्तों, बांग्लादेश जैसे कट्टर मुस्लिम देश में भी 45 कुरान की प्रतियां जलाई गई, जिसमें कारण बताया गया कि वो पुरानी थीं और उनमें छपाई की कुछ गलतियां थीं। बाद में पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत देश को भी इस्लाम की कट्टरपंथी सोच पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। आप अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो शेयर जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही रोचक वीडियो देखते रहने के लिए सीताराम TV YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।